संभल में नगरपालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन कौसर अहमद के खिलाफ वाहन खरीद में गबन करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज हुई। यह वाहन उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान खरीदे थे। गबन करने की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई थी और इसके बाद जिलाधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दिए। यह जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई हुई है। पूर्व चेयरमैन कौसर अहमद पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में नगरपालिका परिषद द्वारा 84 लाख की कीमत के कई वाहनों की खरीद की गई थी। इसमें JCB, क्रेन व अन्य वाहन शामिल थे। आरोप है इन वाहनों की खरीद में गबन किया गया। इसकी शिकायत 2017 में कोटपूर्वी निवासी मुकेश शुक्ला ने मुख्यमंत्री पटल पर की थी और इसका संज्ञान तत्कालीन जिलाधिकारी ने लेते हुए जाँच समिति गठित की और इस समिति की जाँच रिपोर्ट अक्टूबर 2021 में पूरी हुई थी। अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद संभल की तहरीर पर पूर्व चेयरमैन कौशल अहमद के विरुद्ध 409 धारा IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें जो भी तथ्य हैं तथा जो सरकारी दस्तावेज हैं उनके आधार पर विवेचना प्रचलित है, वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।